और कुछ रह गया? हाँ अभी रह गया कुछ, क्या रह गया? हाँ क्रोध मुक्त बनने का। माता जी के प्रश्न अभी रह गया, बोलो। कहते हैं कि पुरुषोत्तम संगम युग सब युगों में बड़ा है, सतयुग में जाना है तो उसके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, अगर हम इतनी मेहनत नहीं कर पाते हैं तो क्या इस जन्म में हम संतुष्ट महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ये तो सब में महान है युग, क्योंकि हमें परमात्मा का ज्ञान मिलता है, आत्मा परमात्मा का परिचय मिलता है, सतयुग में तो कुछ याद रहता नहीं है, तो ये युग ही सबसे अच्छा अपना जीवन का माने, जितना हम कर सकते हैं उतना करें। देखो बरसात आती है ना, सारा साल में आती है, बरसात के समय पर खेती में बीज बोएंगे तो सारा साल खाएंगे। बरसात जब आई, आप कहीं मैं बीमार थी, मैं ऐसे था, किसको बताएंगे? तब देखो कुछ बोया नहीं, सारा कल्प क्या खाएंगे? ऐसे सारे कल्प का आधार ये पुरुषोत्तम संगम युग, तब निराकार यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानि भवति भारत का, मैं स्वयं आता हूं सृष्टि का रचयिता, आकर कुछ देता नहीं हूं, ज्ञान देता हूं क्या करो क्या नहीं करो, उसके श्रीमत के अनुसार अगर खेती में बीज बोते हो एक का 100 गुना लगेगा। नहीं, हमारा पिताजी ऐसे बीज बोता था, बोलो एक का 10 गुना मिलेगा। मनमत से अगर खेती बनाते हो और श्रीमत से बनाते हो, दोनों में अंतर है। तो श्रीमत भगवत गीता स्वयं भगवान आके श्रीमत देता, बच्चे ऐसे कर्म करो तो ये खेती कर्मों के आपको पूरा 21 जन्मों तक, सत्य त्रेता तक और ज्यादा भी करते हो कलयुग तक भी आपको ये बीज फल देगा। चारों कल युगों का आधार संगम है, जैसे यहां कर्म भरेंगे ऐसे सारे युगों में आप सुखी बन सकते हो। अगर बरसात के समय पर खेती नहीं होया तो सारे साल में क्या खाएंगे? मांगना पड़ेगा, मंदिर में जाना पड़ेगा, भगवान मेरा लिए ये करो। मंदिर में क्यों जाना पड़ा? खेती बोया नहीं, जब भगवान आया था तब भाग लिया नहीं, जब बरसात आई खेती बोई नहीं, किसको बताएंगे? तकदीर, तब कहते हैं इनका भाग्य ऐसा है, इनका तकदीर ऐसा है। किसने तकदीर बनाया, किसने भाग्य बनाया? हमने ही, ठीक है।